अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर। मैं हूं इमरान बशीर, मेरे साथ है मेरी पूरी टीम और हम सब के साथ है आपकी दुआएं। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर ने जिमी एडम्स ने हाल ही में एक ऐलान किया। उस ऐलानिया के मुताबिक जैसन होल्डर जो है वो टेस्ट कप्तान थे, लेकिन अब उनकी जगह कार्क ब्रेथवेट को टेस्ट कप्तानी के लिए चुना गया है। तो जैसन होल्डर की कप्तानी की जगह संभालेंगे कार्क ब्रेथवेट। 2015 में जैसन होल्डर वेस्ट इंडीज के कप्तान बने थे और जैसन होल्डर की कप्तानी में वेस्ट इंडीज ने 37 टेस्ट मुकाबले खेले थे 2015 से। उनमें से 11 जीते थे, 21 हारे और 5 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए। और अब कार्क ब्रेथवेट वेस्ट इंडीज के कप्तान है और पहले असाइनमेंट के तौर पर वो श्रीलंका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होने वाली है 21 मार्च से, जिसका आगाज होगा, उसमें वो कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे। और ये टेस्ट सीरीज दो टेस्ट मैचों पर मबनी है। नाजरीन, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर और भी बात होगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है उमैस खान मकामी और कौमी खबरों के लिए। शुक्रिया इमरान, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमैस खान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस हफ्ते भी हमारी रियासत में खेल सरगर्मियाँ जारी रही, जिन पे मबनी हमारा आज का लोकल स्पोर्ट्स राउंडअप। और नाज़रीन, कौमी सतह पर भी बहुत से नेशनल स्पोर्ट एक्टिविटी का इनेकाद हुआ, जो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे नेशनल राउंडअप में। आइए आगाज़ करते लोकल स्पोर्ट्स की इस खबर से। जम्मू में मुनक्कदा 28वीं एनुअल फुटबॉल चैंपियनशिप 2020-21 सेमीफाइनल्स में पैरम फुटबॉल क्लब और हीरो फुटबॉल क्लब रहे आमने सामने। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में साइकिलिंग चैंपियनशिप का हुआ इख्तिताम, जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम इजला से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने की शमूलियत। श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में मुनक्कदा थंग था चैंपियनशिप 2020 इख्तिताम पजीर। इस चैंपियनशिप में 472 खिलाड़ी और 54 ऑफिशियल्स ने लिया हिस्सा। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से रामबन में इंटर डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी लेवल कैरम कंपटीशन का हुआ आगाज, जिसमें अंडर 19 एज ग्रुप से कुलगाम ने एक मेडल। तो नाजरीन, ये था इस हफ्ते का लोकल स्पोर्ट्स राउंडअप। आइए अब नजर डालते हैं नेशनल राउंडअप की ओर। हजारी ट्रॉफी के फाइनल में दिल्ली में उत्तर प्रदेश और मुंबई के दरमियान इतवार को होगा मुकाबला। इंडियन सुपर लीग का फाइनल मुंबई सिटी एफसी और एटीके मोहन बगान के दरमियान 13 मार्च को खेला जाएगा। और आई लीग के कल के मुकाबलों में नीरो का एफसी को एजवाल एफसी ने 1-0 से, जबकि चेन्नई सिटी ने 5-0 से इंडियन एरोस को हरा दिया। तो नाजरीन, ये था इस हफ्ते का नेशनल स्पोर्ट राउंड अप। आइए प्रोग्राम में मजीद क्या है ये जानने के लिए चलते हैं वापस इमरान बशीर के ओर। शुक्रिया उमैस खान। तो नजर मकामी और कौमी खबरों से अब आते हैं बेलकामी खबरों की जानिब और एक नजर आज के हमारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स राउंड अप पर। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 मैचों पर मबनी टी20 सीरीज का आज से होगा आगाज। रोहित शर्मा के साथ लोकेश राहुल सलामी जोड़ी के बतौर भारतीय इनिंग्स का आगाज करेंगे। एंटीगा के सर विविन रिचर्ड स्टेडियम में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला आज खेला जाएगा। वेस्टइंडीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कतर ओपन में 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रॉजर फेडरर क्वार्टर फाइनल्स में हार के बाहर, जबकि ख्वातीन में पेट्रा क्वियोटा को गार्बिन मुगुरुज़ा ने हरा के फाइनल अपने नाम किया। और प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी ने साउथैम्पटन को 5-2 से दी शिकस्त। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में एक मेहमान है। आज के हमारे जो मेहमान है, थोड़ी देर के बाद आपसे इनकी मुलाकात कराएंगे और आपको बताना चाहेंगे कि आज बात होगी स्पोर्ट्स प्रमोशन के हवाले से। और अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है जो आज के हमारे मेहमान हैं उनसे आप पूछना चाहते हैं, तो बराह रास्त हमारे टेलीफोन नंबर पर कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 0194-248-1813 एंड 0194-248-1832। तो कौन है आज के हमारे मेहमान, इसके लिए हम चलेंगे मेरे साथ ही तबरेज़ मदनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। नाज़रीन आदाब,
खेलो खिलाड़ी प्रोग्राम के उस हिस्से में आपका इस्तकबाल, जहां हम आपकी मुलाकात एक मेहमान से करवाते हैं। हर बार एक्चुअली हम कोशिश ये करते हैं कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन को बुला लें या स्पोर्ट्स रिलेटेड किसी शख्स को बुला लें, लेकिन आज थोड़ा सा इसमें हमने ट्विस्ट लाया है। जी हाँ, आज एक ऐसी शख्सियत को हमने दावत दी है स्टूडियो में जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म से है। जी हाँ, ये वादी की या ऐसा कहें जम्मू कश्मीर की वाहिद और पहली स्पोर्ट्स फीमेल जर्नलिस्ट है। नाम है शहाना फातिमा। शहाना, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया तमरेज भाई, शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। नहीं, हमारे लिए ये एजाज है कि आज अपने कीमती वक्त निकाल के, अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हे हमारे इस प्रोग्राम के लिए चुरा लिए। शहाना, आगाज में जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट जर्नलिस्ट आप हैं जी, आपका वास्ता स्पोर्ट्स से लगा ही रहता है, किस तरह से आप स्पोर्ट्स को देखती हैं अभी, अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें जेएनके के स्पोर्ट्स की? देखिए, पहले से तो काफी फर्क पड़ चुका है स्पोर्ट्स में। अब वो खामियां तो खैर अभी हैं, मगर उतनी भी नहीं है जो हम उनको ये ना कह सके कि नहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल मनफी कहें कि नहीं ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, क्योंकि शिकायतें बहुत सारी जो थी अब कम हो चुकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, डेवलपमेंट्स हो रही है, प्लेयर्स का वेलफेयर खैर तब भी नहीं होता था, अब भी नहीं हो रहा है। जिस इज्जत का हकदार प्लेयर है उसको वो नहीं मिलती। अगर आप कौमी सतह पर अपने आप को प्रूव करते हैं, फिर यहां आकर आपको वो एजाज नहीं मिलते हैं, उस तरीके से नहीं लिया जाता है। मैं आपको कहूं कि हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट से पहली द्रोणाचार्य अवार्डी है, द्रोणाचार्य अवार्डी इज द हाईएस्ट अवार्ड इन दिस कोचिंग। तो खैर उतना उनका खैर मकदम नहीं किया गया, स्वागत नहीं किया गया हमारे स्टेट की तरफ से, इनको भी कुछ सराहन लगे कि नहीं मैं प्लेयर से ही होकर कोच बना हूं, मेरे लिए ही था ये सब कुछ। मतलब हुई तो इनाम मिले, सराहना भी हुई, मगर उस लेवल की नहीं हुई। अगर हम वहीं पर एक तरफ और देखें, हमारे पास वाहिद ओलंपियन जो हुआ करते थे हमारे गुल मुस्तफा देव साहब, उन्होंने ओलंपिक्स तक अपना लोहा मनवाया, ओलंपिक्स तक पहुंचे वो, लेकिन उन्हें भी उस तरह की सराहना नहीं मिली। कभी आपको मौका मिला इन चीजों पर बात करने का या इन चीजों को कहीं पर उजागर करने का? देखिए, गुल मुस्तफा साहब हमारा फख्र है जी। उन्होंने तब हमें ओलंपिक्स में जगह दिलवाई जब ये बहुत नामुमकिन सी बात थी, और जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट को मैप पर लाना तब बहुत बड़ी बात थी। उनको तब फैसिलिटी नहीं मिली, हम समझ सकते हैं, उनको तब हम सराहा नहीं समझ सकते, मगर जब इतने सालों के बाद चैन सिंह हमारा एक लड़का है शूटिंग में जी। जो आ गया समर ओलंपिक्स में, उसने क्वालिफाई किया जी। तो उसको भी उस टाइप का नहीं मिला रिस्पांस। वो फिर छोड़िए, अब स्टेट ने उसको ऑफर तो किया, जॉब नहीं दिया मगर कोई इनामात से नवाजा उसको, उस तरीके की एप्रिसिएशन नहीं मिलती है। मैं कहती हूँ दिल तंग हो जाता है जब ऐसे खिलाड़ियों से आप बात करते हो। दूसरा खिलाड़ी हमारा बानू प्रताप वुशु से जी। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है वो, अगेन उसके पास मतलब वही एक एसपीओ की जॉब है, उससे आगे हम ले ही नहीं जाए। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर तो है मगर एडवांस नहीं है, इसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। स्पोर्ट्स प्रमोटर्स बहुत मिलेंगे आपको, हर गली में मिलेंगे, आप एवरी नूक एंड कॉर्नर पे होर्डिंग लगी हुई कि वो चैंपियनशिप है, इधर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो जनाब है, वो मैडम है, ऑर्गेनाइजेशन है, मगर ये अपनी जब इनका कोई इवेंट है उस इवेंट से रिलेटेड अपनी पब्लिसिटी कंप्लीट हुई तो वो स्पोर्ट्स भी वही रह गया। वहां से आगे ले जाने की जरूरत है। स्पोर्ट्स प्रमोटर अगर है वो थोड़ी देर के लिए ना बने, फुल टाइम सपोर्टर प्रमोटर बने, उसके लिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर वो प्रमोशन कर रहे हैं उनकी भी हेल्प करें, आपकी ही स्पोर्ट्स की बात आगे हो रही है, इसको आगे चलाएं। हालांकि किताबों में जो गाइडलाइंस हैं स्पोर्ट्स को लेकर वो तो क्लियर कट हैं कि आपके पास एसआरओ है या बाकी चीजें हैं, लेकिन फिर बात आ जाती है कि क्या सच में वो गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही है। शाना, जब आपने जर्नलिज्म ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जब आप बनी, तो कुछ ख्वाब लेकर आई होंगी आप भी, कुछ तो होगा दिमाग में कि ये करके दिखाना है, जो सोचा था क्या वो हो पाया, क्या वो कर पाई? देखिए, मैं जब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म स्टार्ट किया, पहले जब मैंने स्टेप ही सोचने की ही सोची तो एक इदारे में रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, आपको एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाना होता है, वहां पे जो भाई बैठे थे उन्होंने ही इनकार कर दिया था मेरा रजिस्टर करने से, बोला कि क्या अभी आप छोटे हो, क्या करना, यहाँ स्पोर्ट्स है ही नहीं, कल्चर नहीं, क्या कौन पैसे देगा आपको। मैं भी थोड़ा ढीठ ही थी, मैंने बोला नहीं भैया मुझे करना है, क्योंकि बुरा लगता था कि बाकी स्टेट्स के जो हम थोड़ा पड़े बाहर भी हैं तो वो देखते थे, वो अपने स्टेट टीम्स को फॉलो करते थे, हमें पता ही नहीं होता था, तब हमारी भी स्टेट टीम्स होती, हम भी उनको देखकर वो खुश होते थे क्योंकि उनके फ्रेंड्स होते थे, फॉलो करते थे, तो मुझे लगता था, मैंने
पता किया कि जब हमारे यहाँ भी इतना टैलेंट है मगर अंडर रिपोर्टेड है, हमारे यहाँ न्यूज़पेपर्स में उनको स्पेस तो मिलती है मगर लास्ट पेज वाली, वही कॉलम वाली जो खैर लास्ट में अगर आपके पास टाइम हुआ तो पढ़ लिया वरना नहीं। खैर अब डिजिटल जमाना है, हर किसी के हाथ में आप अपना अखबार है, आपको अपने बारे में कुछ लिखना है तो खुद ही लिख सकते, मोहताजी नहीं रही अब। मगर फिर भी एक होता है ना कि एक टैलेंट को आप हंट करें, उस पर स्टोरी करें, वो लेकर आती थी मैं, जिसको कोई नहीं जाने मैं उसको आगे लेकर आऊं। ऐसे में जैसे मैंने पहली स्टोरी की, मतलब जैसे तब हमारे यहाँ लेजेंड एक होते थे बॉलर लेजेंड, वो आते थे जेकेसीए में, तो लड़कों ने मुझे बोला कि हमारी कुछ दिक्कतें हैं तो उन पे आप देख लीजिए। मैंने सोचा अब मैं क्या ही हेल्प कर सकती हूँ, मगर जब मैंने उनकी हेल्प की उस प्रॉब्लम से वो निकले बाहर, मुझे लगा नहीं आई कैन डू इट, शायद मैं इससे अच्छा भी कर सकती हूँ। फिर उन्हीं दिनों बिल्किस मीर का हमने ये किया जो स्पोर्ट्स में है, वाटर स्पोर्ट्स में है, तो वो बहुत छप चुकी थी इंटरनेशनली अकॉर्डिंग टू हर, कि हर जगह था कि बिल्किस मीर एक लड़की है मगर जम्मू कश्मीर में उसको कोई नहीं जानता था। तो हमने एक टैग लाइन उसके साथ जोड़ लिया, रेफरी कोच एंड प्लेयर, 3-in-1 बिल्किस, क्वीन ऑफ कैनोइंग, और आज उसको क्वीन ऑफ कैनोइंग के नाम से जानते हैं। और वो हमेशा कहती है कि मैडम ये नाम आपने मुझे दिया है, अब मुझे लगता है यही मेरा एजाज है। तो उसके बाद परवेज बाद में आए, या ऐसे ऐसे ना बच्चे आते गए और हम उनको रिप्रेजेंट करते रहे, उनको उनकी प्रॉब्लम्स ही है, नॉट ओनली उनका प्रोफाइल, उनके जो मसले है मसाइल है सही इंसान तक पहुंचाए। क्रिकेट का है तो उनके सीओ, खैर क्रिकेट में तो मसले बने रहते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते, अल्लाह करे ठीक हो जाए। फुटबॉल में है, अब बात कीजिए फुटबॉल की, डॉक्टर्स इंजीनियर्स आप हमेशा देखोगे क्रिकेट से ही निकलते हैं क्योंकि सर्टिफिकेट्स आ जाती हैं वहां पे आपको मिलता है, अगर नेशनल दो खेले तो आपको स्पोर्ट्स कोटा में आप आ जाते हैं, और क्योंकि गोल्ड मेडल वगैरह वहां नहीं होता है। मगर मुझे नहीं, मेरी नहीं नॉलेज, मुझे नहीं पता, होते भी होंगे फुटबॉल में, मैंने कोई डॉक्टर बेचारा आज तक बहुत गलती से कोई अगर हुआ हो तो क्योंकि अगर किसी ने फुटबॉल खेली बड़े दिल से खेली, मिराजुद्दीन वडू को देखिए आप, कौन सा बेचारा डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन प्लेयर ही बना फुल टाइम। अहमद अशफाक को देख लीजिए या आज भी लड़के आ रहे हैं उनको पता है यही करियर है, सीरियसनेस है उनमें, और मतलब वो कुछ और नहीं कर पाए, जो प्लेयर बन सका वो कुछ और नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने हमारे लिए हमारी स्टेट के लिए सेक्रीफाइस किए, और हमारा भी हक बनता है हम उनके लिए कुछ करें। शाहना आपको नहीं लगता कहीं कुछ तब्दीलियां लाने की जरूरत है? जैसा कि हम देखते हैं कि हमें कहा जाता है स्पोर्ट्स में अगर आपका गोल्ड है तो आप एलिजिबल हैं इस चीज के लिए, लेकिन जब हम टीम इवेंट की बात करते हैं वहां पर गोल्ड निकालना इतना आसान नहीं होता। अगर हम फुटबॉल की बात करें, इंडिया की रैंक जो अभी है 126 के आसपास कहीं पर है इंडिया के फुटबॉल की, कश्मीर के फुटबॉल की तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फुटबॉलर गोल्ड लेकर आपके सामने आएगा उसके बाद आप उसको कहीं मौका देंगे? उसके लिए कहीं आपको नहीं लगता कि कुछ चीजों में तब्दीलियां लाने की जरूरत है? ठीक है, एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ करते हैं, एक्सपेक्टेशंस अब कश्मीर में स्पोर्ट्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस, वो कहते हैं ना मेक फ्रस्ट्रेशंस, यहां हाल वही है। अब बहुत सारी नई नई टीमें भी फुटबॉल में आई है, ये नहीं कि महदूद है अब जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के अंडर, और भी एसोसिएशंस आ रही हैं, मगर अगेन वही प्रमोशंस नहीं है। आप लाते तो है, आप एक स्टेज पर आते, आपको पता है मुझे इस एसोसिएशन को या इस प्लेयर को टक्कर देनी है, आप एक एजेंडा लेकर आते हैं मगर एक प्रोग्राम लेकर नहीं आते हैं कि मुझे ये आगे बढ़ाना है। अगर मैं कर रहा हूं फुटबॉल के लिए, मैं किसी पर्सन के जाती तौर के लिए नहीं कर रहा हूं, उसके अपने फवायद के लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे ये फुटबॉल की डेवलपमेंट मुझे करना है, वो तो हो ही नहीं रही ना। आप वो अब आप बात करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, वो बताएंगे हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, हमने ये, आपने वहां से निकले क्या, मतलब फुटबॉलर्स निकाले होंगे या मतलब जो नेशनल लेवल पर नेशनल अरीना में हमें रिप्रेजेंट किया। मगर अब है, पिछले दिनों 7 लड़के जो मिलकर जो फुटबॉल की एक दो एसोसिएशंस हैं उन्होंने उनको केरला ब्लास्टर्स वगैरह इंडिया कैंपिंग में वगैरह प्रमोट किया और गए, मगर वो किन्होंने किया, जो हमारे फुटबॉलर्स हैं जिन्होंने खुद खेला है, खेले हैं, जो खुद सफर कर चुके हैं। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ, पहले कॉल लेते हैं। हेलो वालेकुम सलाम, कौन सा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जनाब मैं अली मोहम्मद पंडित जाबन जौरा से बोल रहा हूँ। जी पंडित साहब बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि आपने जी ऐसा कि आपने ऐसे हस्ती लाई है, बहुत मुझे आज तक भी पता नहीं कि इसमें भी जर्नलिज्म होती है खेल खिलाड़ी में। जी अगर हमारे बच्चे खेलने के लिए जाएंगे जी तो उनको क्या करना है,
और वाकई जो जो स्कूल लेवल पर होते हैं, जरा इस पर भी आप जरा थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए जी। जो बच्चे जिनका ज्यादा पढ़ने की कोई नहीं होते, वो तो खेल में ज्यादा, उनके लिए जरा आप कुछ कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए, जवाब सुन लीजिए। जो बच्चे छोटे हैं स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उन्हें क्या करना होगा, किस तरह से वो स्पोर्ट्स में अचीव कर सकते हैं गोल्स? देखिए, हमारे यहाँ स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है, एक ऑफिस होते हैं उनके, या यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स होते हैं, फिर उनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर वो वही तय करेंगे कि किस एज का बच्चा है, किस एज से वो लेते हैं, और अगेन मकसद वही है कि वो बच्चा किस स्पोर्ट्स में जाना चाहता है। सही गाइडेंस उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज से ही मिलेगी। ऐसा ना करें कि कोई बंदा आपको बताए कि मैं आपके बच्चों को ले जाना चाहता हूँ एबीसी इवेंट में बाहर, आप पैसे दे दीजिए, मैं पार्टिसिपेट करूंगा, सर्टिफिकेट तो मिलनी ही मिलनी है और गोल तो आएगा ही, सेकंड तो यहाँ कोई होता नहीं। देखिए, आपने देखा होगा होड़ लगी है हमारे सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे, फर्स्ट इन दिस गेम, फर्स्ट उधर से है, ये बंदा यहाँ पे गोल्ड लाया है, आयरन लेडी, आयरन मैन, पता नहीं क्या क्या, माय गॉड, कहाँ से ले आते हैं ये इतने टाइटल्स? कौन देता है? आई आस्क्ड वन ऑफ द लेडीज, शी, मुझे मीडिया ने दिया, व्हाट कैन यू डू, यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू दिस। तो ये है कि मतलब आप सही इदारों में जाइए, अवेयरनेस करिए, काउंसलिंग करिए, ये हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल या यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की भी इधर जिम्मेदारी बनती है, पेरेंट्स को सही काउंसलिंग। देखिए, कहाँ जाइए, अवेयरनेस ही नहीं है। उन गेम्स में बच्चे चले जाते हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते, जो रिकॉग्नाइज गेम्स नहीं है, उनमें बच्चे चले जाते हैं, 4-5 साल लगा देते हैं गेम में, और 5 साल के बाद जब उन्हें थोड़ी सी अवेयरनेस आती है तो उन्हें पता चलता है वो उस गेम में है जो कहीं रिकॉग्नाइज ही नहीं है, और 5 साल उनकी जिंदगी के अहम 5 साल जाया हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं तबरेज भाई, मेरा 5 साल का भांजा है मोहम्मद माविया, उसका भी शौक बढ़ा जब देखते हैं स्पोर्ट्स खेलते हुए लड़कों को कि मैं भी पार्टिसिपेट करूं। मैं गई स्पोर्ट्स काउंसिल, उसने जो स्पोर्ट्स मुझे बच्चे ने बताया, बोला ये खेलना चाहते, वहां मैडम ने बताया कि ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, मैडम कुछ और देखिए, क्योंकि इसमें यह है कि ये बाहर वाले तो इसको करेंगे प्रमोट कि हम देंगे, वो कहेंगे जर्नलिस्ट की से बच्चा है तो हम इसको और प्रमोट करेंगे, मगर आगे जाकर किसी काम का नहीं है, ना ये सर्टिफिकेट वैलिड है, ना ये गोल्ड मेडल वगैरह आते हैं। तो तभी मैंने उनको बताया कि आप एक काउंसलिंग सेल लाइए, जरूरत है कि अवेयरनेस की। ऐसा नहीं कि हर गली कोचे में आप गोल्ड मेडलिस्ट देखोगे, मगर सही गेम अगर है फिर आप समझने लगते हो कि गेम कौन सा है। सबसे पहले उसके लिए आपको गेम्स रजिस्टर्ड कौन सी है हमारे इदारों के साथ, उसके साथ पेरेंट्स को बोलिए ना कि अवेयरनेस हो। बिल्कुल, खाली ये नहीं करते रहे पेरेंट्स। मैंने कभी नहीं सुना पैसे मांगे जाते थे, मगर हमारे यहाँ नहीं मांगे जाते थे कि पैसे दे दो, आपको कहीं कंट्री में ले जाते हैं आपको, फिर बेचारे वही स्पॉन्सर ढूंढते रहते हैं, मुझे स्पॉन्सर कीजिए, आज मेरी दौड़ है उधर, मेरा कहीं इवेंट है, स्पॉन्सर्स ढूंढते रहते हैं। अगला बंदा भी परेशान, यार स्पोर्ट्स पर्सन है क्यों गली गली बीच, उसकी अपनी इज्जत है, वकार है, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन एक होता है कि फख्र से नाम लिया जाता है। जब आप वो बेचारा समझ लीजिए मांग ही रहा, भिखारी की तरह मुझे मुझे भेज दीजिए किसी, हर एक गवर्नमेंट इदारे में, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे बाहर जाना था। बिल्कुल सही। शाना, आपको नहीं लगता कि आजकल बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो बहुत कुछ ही वक्त से फील्ड में आ गए हैं, लोगों की नजरों में आए हैं, नाजिल हुए हैं, अब उन खेलों ने एक्चुअल जो ओलंपिक स्पोर्ट्स जो है उन ओलंपिक स्पोर्ट्स को ओवरशैडो किया हुआ है? देखिए, वही बात हमारी आती है इधर कि जो नए खेल कुछ ही टाइम से मंजर आम पर आए हैं और बहुत फेमस भी हो गए हैं, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि उसमें वही सर्टिफिकेट का काम चलता है, उनको उन सर्टिफिकेट से मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलते हैं और इमीडिएटली मिल जाते हैं, कहीं अब यू नेम इट दे हैव इट कि आपने क्या खेला है, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई जवाबदारी नहीं कि कहाँ खेला है, कैसे है, किस इदारे से है। जैसे आप समझ लीजिए आपका एक इदारा चलता है, आपको पता है कि आपको तो इसमें से मिलना ही मिलना है जो भी होगा। गवर्नमेंट क्या करे, आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट ने आपको अपॉइंट किया है एज एन ऑफिसर, अब गवर्नमेंट हर जगह लेट इट बी एलजी साहब, ही कैन नॉट गो एवरी ऑफिस वन टू वन, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वी कैन नॉट क्रिब एवरी टाइम, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। अगर आप उन्होंने आपको असाइन किया है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि भैया देखो क्यों है ये स्पोर्ट्स, इसमें तो कोई स्कोप है ही नहीं, फिर इतना आगे कैसे, क्यों कर दिया ओवरशैडो बाकी स्पोर्ट्स को। ये स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो एक, मुझे नहीं, हर बार हम सोचते हैं एक एसोसिएशन होनी चाहिए जो रिप्रेजेंट करे, फिर उनके अपने फवायद होते हैं, सही मुद्दा रह जाता है, वेलफेयर हो नहीं पाता, डेवलपमेंट होता ही नहीं। इट्स अनफॉर्चुनेट। शाना जी, दिल तो करता है आपसे और भी बहुत सारी बातें करने, लेकिन क्या करें, कम वक्त
ये जो वक्त है इसके बाद दिल नहीं होता, होता तो शायद कुछ देर के लिए रुक जाता और हमें कुछ और लम्हे मिल जाते, लेकिन आज अब हमारे स्टूडियो आई, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। नाज़रीन, शाहना जी ने आखिर पे ये कहा कि एसोसिएशंस हैं और हद ये है कि एक एक गेम में चार चार एसोसिएशंस हैं। बच्चों को समझ नहीं आता कि कौन से एसोसिएशन के पास जाना है, कौन सा एसोसिएशन खिलाएगा और कौन सा एसोसिएशन सही है। ये काम है डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं डिपार्टमेंट थोड़ा सीरियस लेगा इस बात को और बच्चों के जो करियर है, बच्चों का जो साल होता है इंपॉर्टेंट, वो जाया नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये हिस्सा खेल और खिलाड़ी का आपने पसंद फरमाया होगा। इंशाल्लाह अगले शुमारे में एक और मेहमान से करवाएंगे मुलाकात। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज। आइए चलते हैं वापस इमरान बशीर के पास। शुक्रिया तबरेज़ मदनी। तो नाज़रीन, ये थी आज के हमारे मेहमान। हमें उम्मीद है कि यह गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। अब आते हैं पर्सनालिटी ऑफ द वीक की जानिब और एक नजर दौड़ाएंगे आज के हमारे पर्सनालिटी ऑफ द वीक सेगमेंट पर। अफगानिस्तान के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हशमतुल्ला शाहिदी टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बने। जी हां, 26 साल के इस बल्लेबाज ने यह कारनामा अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जारी टेस्ट मैच के दूसरे दिन अंजाम दिया। 200 रन की नाबाद इनिंग्स में उन्होंने 21 चौके और एक छक्का लगाया। उन्होंने अपने कप्तान के साथ 307 रन की शराकत की और अफगानिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में 300 रन की पहली शराकत है। इसी शराकत की बदौलत अफगानिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पहली इनिंग्स 545 रन पर डिक्लेयर कर दी। हशमतुल्ला शाहिदी ने अपने टेस्ट क्रिकेट का आगाज 14 जून 2018 को भारत में किया और अगरचे ये मुकाबला अफगानिस्तान ने हारा, मगर हशमतुल्ला शाहिदी इस मुकाबले में अफगानिस्तान के लिए सबसे टॉप स्कोरर रहे। तो नाज़रीन, यह था पर्सनालिटी ऑफ द वीक सेगमेंट और इसके साथ ही आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अगले शुमारे तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।